गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से कोरोना पूरे भारत देश में लोगों को परेशान कर रहा है, तो हमें अपने और अपने परिवार के सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे मास्क को इस्तेमाल करना ही करना है। साथ में आईएमसी ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बेहतरीन है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम सही इस्तेमाल करके अपने दिनचर्या में शामिल करके कम समय में इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिससे हम अपने और लोगों के भलाई कर पाएँ और लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन कर पाएँ और इस बीमारी से लोगों को बचा पाएं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होता क्या है और व्हाट इज इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसे हमें क्यों ठीक रखनी चाहिए और क्यों हमें इसे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, तभी हम इसके ऊपर में बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। दोस्तों, इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी का सुरक्षा कवच होता है, जो हर प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से लड़ता है। ये जीवाणु हमारे खान पान के माध्यम से, जो दूषित पानी हम पीते हैं उसके माध्यम से, जो हम खाना खाते हैं बाहर में उसके माध्यम से, साथ ही में जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वहाँ पर दूषित हवा चलती है और जो वायरस है, बैक्टीरिया है, हवा के माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे बॉडी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जीवाणुओं को जन्म देता है और उसे लड़कर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार के रोगाणुओं से सुरक्षित रहता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हल्के से घर के वातावरण से बाहर हुए या किसी नए शहर में गए या किसी घर का पानी पी लिए, तो वो तुरंत उन्हें सर्दी जुकाम जैसे छोटी मोटी तकलीफें होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रभाव इम्यूनिटी के वजह से होती है। इसलिए आपने ये भी गौर किया होगा कि जब से आप आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए हैं, तब से आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो ये टोटली क्रेडिट जाता है आईएमसी के प्रोडक्ट में, जो वाकई में बहुत ही बेहतरीन और शानदार हैं। तो ये था हमारा इम्यूनिटी के बारे में, जो हर किसी को जानना चाहिए कि इम्यूनिटी होता क्या है। बेहतरीन और पहला प्रोडक्ट है हमारा श्री तुलसी। जी हाँ, श्री तुलसी को इम्यूनिटी बूस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के पौष्टिक गुण भरपूर मात्रा से होते हैं। तुलसी में विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है। तुलसी दिल के रोगियों के लिए बेहतरीन टॉनिक है ही, साथ में संक्रमण को रोकने के लिए तुलसी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरस, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी डिजीज गुणों से परिपूर्ण है। तो माय डियर फ्रेंड्स, श्री तुलसी हमें प्रत्येक दिन अपने इच्छानुसार साथ में जितना मात्रा हम ले पाएँ उतना यूज़ करना ही चाहिए। एटलीस्ट हमें प्रत्येक दिन 2 से 4-6 बूंद यूज़ करना ही चाहिए श्री तुलसी का। अगर हम प्रत्येक दिन श्री तुलसी का सेवन ही करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम हर एक प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा बीमार पड़ते थे तो हमें बीमारियां भी कभी छू नहीं पाएगी और हमारे शरीर से धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में श्री तुलसी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया को जन्म देगी, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आईएमसी की दूसरी बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है, वो है हिमालयन बेरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे हिमालयन बेरी अगर हम यूज़ करते हैं तो होगा क्या कि हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उसकी सफिशियंट हमें भरपाई मिल पाएगी। क्योंकि दोस्तों, लेह लद्दाख एवं सिंधु नदी के आसपास तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन हिमालयन बेरी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिससे यहाँ के लोग हिमालयन बेरी से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। संसार में जितने भी फलों में विटामिन सी पाया जाता है उसके मुकाबले हिमालयन बेरी में 4 से 100 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए हिमालयन बेरी को एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर कहा जाता है। साथ ही इसमें ओमेगा 3, 6 और 9 भी मौजूद होते हैं।
हिमालयन बेरी में 428 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पौराणिक कथाओं में इसे संजीवनी बूटी कहा गया है। दोस्तों, कहा जाता है युद्ध में जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को जिस बूटी को लाने के लिए हिमालय पर्वत पर भेजा था वह संजीवनी बूटी लेह लद्दाख में पाई जाने वाली हिमालयन बेरी ही थी। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन हमारा इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है IMC का। हम सभी को प्रत्येक दिन इस्तेमाल करना ही चाहिए क्योंकि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में ऑक्सीजन की कमी हर किसी की बॉडी में रहती ही रहती है। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन बॉडी में मिलेगी तो हमारे जितने सारे सेल्स हैं वो यंग जवान रहेंगे और हमारी आयु बढ़ेगी, लेकिन हमारे जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि ज़्यादा समय तक हम। अगर हम तीसरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो है हमारा हर्बल फीवर गार्ड सिरप और हर्बल फीवर गार्ड टैबलेट। दोस्तों, इसमें जो सम्मिलित सामग्री है वो है घृत कुमारी सत, गिलोय, तुलसी सत, हल्दी सत, चिरायता सत, केल मेघ, अश्वगंधा सत। इतने बेहतरीन सामग्री के मिश्रण होने की वजह से हम हर्बल फीवर गार्ड सिरप और टैबलेट को इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी प्रकार की बुखार संबंधित समस्या रहती है वो जल्द ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर हम चौथा प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो IMC की बहुत ही बेहतरीन और आवश्यकता के अनुसार इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया बहुत ही कम समय में। तो इसका नाम है इम्यूनिटी 20X और इसमें जो चार इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। पहला है हमारा गिलोय सत, दूसरा है इसमें हल्दी सत, तीसरा है तुलसी सत और चौथा है हमारा दालचीनी सत। इन चारों प्रोडक्ट के मिश्रण की वजह से ये इम्यूनिटी बूस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा और तेज़ गति से काम करता है, जिसलिए इसका नाम रखा गया 20X, मतलब ये हमारे इम्यूनिटी को कम समय में 20 गुना बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज के दौर के समय ये प्रोडक्ट को हर घर में रखना ही चाहिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टैबलेट का यूज़ करना ही चाहिए। जिस तरह से प्रत्येक दिन हमारे शरीर में खान पान और प्रदूषण के माध्यम से गंदगी जाती है, उसी तरह हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हमें अच्छी चीज़ों का सेवन भी करना ज़रूरी है। तो इसमें IMC प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। पांचवा प्रोडक्ट है हमारा एलो चवन गोल्ड, IMC का चवन प्राज से हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सम्मिलित सामग्री है वो एलोवेरा है, हिमालयन बेरी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है। तो इतने सारे बेहतरीन जड़ी बूटियों का मिश्रण होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन महाशक्तिशाली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करते हैं तो हर एक प्रकार से बीमारी से वो बच सकते हैं और उनका सुरक्षा कवच इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही कम समय में बूस्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, IMC की छठी और आखिरी प्रोडक्ट है वो है हमारी श्री हल्दी के बारे में आप सभी को पता ही है, इसके गुण वाकई में बहुत ही बेहतरीन है और हल्दी का इस्तेमाल प्राचीन काल समय से चलते हुए आ रहा है। जितने प्रकार के हमारे हिंदू समाज में जो धार्मिक पर्व त्यौहार होते हैं उसमें हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाकई में हल्दी में जादू है और IMC ने जितने प्रकार के हल्दियाँ होती है उसके एक्स्ट्रैक्ट को निचोड़ कर डाला है और हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हर एक प्रकार से बीमारी से दूर रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जितने सारे IMC के प्रोडक्ट्स के बारे में बतलाया, ये ज़रूरी नहीं कि सभी प्रोडक्ट्स को हमें प्रत्येक दिन इस्तेमाल करना है। अगर इनमें से हम कम से कम 3 प्रोडक्ट भी अपने घर में रखते हैं और उसे यूज़ करते हैं डेली बेसिस के रूप में तो हम हर एक प्रकार से बीमारी से सुरक्षा रह पाएंगे और लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और इसका सेवन करने की जो विधि होती है, आयुर्वेदिक इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वे हमें खाली पेट में लेना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी में लेना चाहिए, इससे हमारा इफेक्टिव रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय।